दानिया, मेरे बचपन में मेरा बाप मर गया। शायद इसलिए बाप बेटे के रिश्ते की मुझे पहचान नहीं थी। चलो आज वो कमी भी पूरी हो गई। अरे धनिया, तू मेरा बाप है। बाप ए, ए, मुझे बाप बोला ना तूने? हाँ, तो बड़ा बेटा होने के नाते मुझे एक वचन दे। मैं जिधर भी मरूं ना, मेरी चिता को तू ही आग लगाना। हाँ, अरे तुम्हें से कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे इतने बरसों से मैं इस बस्ती में रह रही हूं, मैंने लड़ाइयां देखी हैं इस बस्ती में, सास बहू की लड़ाइयां देखी हैं, भाई भाई को लड़ते हुए देखा है, बच्चों की बातों में तुम बड़े लोगों को लड़ते हुए देखा है, मगर किसी को धर्म के नाम पर लड़ते हुए नहीं देखा। फिर आज ये हिंदू, ये मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान कहां से आकर खड़ा हो गया? अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? जिन लोगों ने हमारी बस्ती में आग लगाई है वो ना हिंदू थे ना मुसलमान, चंद चंद गद्दार नेताओं के खरीदे हुए गुंडे थे वो। हर नेता तो सिर्फ यही चाहते हैं कि धर्म के नाम पर हमारे दिलों में नफरत पैदा हो जाए, हम एक दूसरे को काटे मारे खून बहा दें, और वो बैठे बैठे तमाशा देखें। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बंद कर अपना ये लेक्चर, असल जानना चाहती है तू तो चल चल मेरे साथ इधर आ। ये देख, ये असलियत, ये मेरे मासूम बच्चे हैं। कुछ पूछ इनसे, किसने मारा मेरी बीवी को, किसने मारा इनकी माँ को, इनसे पूछ। बोल बेटा बोल, किसने मारा तुम्हारी माँ को, बोलो। हिंदू ने मारा है। सुना तूने? एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? उन्हें जो अपना नाम नहीं बता सकते, उनको अपने मां के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? उन्हें एक इस्माइल, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर आ, असलियत जानना चाहता है ना? इधर आ। कौन है? कल्याण जी। कल्याण जी भाई, हिंदू आई है? ये कौन है? ये कौन है? गंगा भाभी। गंगा भाभी, तुम्हारे बच्चे को कौन पाल रहा है? गंगा भाभी। गंगा भाभी, ये हिंदू थे, इनको काय को नहीं काटा? इधर आ, असलियत बताता हूं तुझे। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता साले, बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बात है, तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। किसने किसको मारा? किसने किसको जलाया? साला कल तक हम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था पानी में, गणपति बाप्पा मोरिया काय को नाचता था। अल्लाहुम्मा सल्ले अला आला सैयदना मौलाना मुहम्मदीब व आला आले सैयदना मौलाना मुहम्मदीब व बारिक व सलीम। ये दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया? अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है? प्रताप मुझे माफ कर दो, मैं बह गया था, मैं बह गया था प्रताप, मुझे माफ कर दो। वाह, यह है हमदर्दी जता रहे हैं, साथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। दो बूंद खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो। सारे कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग आई है। कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है।
इंसानियत, तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। ऐसा बात करता है? अरे हम लोग गरीब का मदद के वास्ते आया है। देखिए भाइयों और बहनों, हमारे हृदय में आप लोगों के लिए हमदर्दी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। क्या गरीब लोग को हमारे खिलाफ भड़काता है? ए नौ चल बे, ए नौ चल बे। अरे न चल बे की औलाद। अरे देशमो, अरे पब्लिक भड़क गया है, भागो इधर से। वाह 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 कलम वाली भाई वाह, अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकले हैं, वाह वाह। लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे, अब तो धंधा बन गया अखबार। पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी, मजाक होगा ये तुम्हारा अखबार। और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हंसते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है, अखबार में बहुत ताकत है, टक पलट देता है अखबार। सहमे हुए लोगों में ज्वाला भड़का कर क्रांति लाता है ये अखबार। अरे 47 से कौन सा तख्त पलटा? जो लोग गीता रामायण कुरान पढ़कर नहीं जागे, वो तुम्हारा अखबार पढ़कर कौन सी क्रांति लाएंगे? सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको, सोने दो सोने दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, तो सामने आ, उन बेबसों का हाथ थाम, जगा उन्हें। अरे जगाया तो जिंदा लोगों को जाता है, मुर्दों को नहीं। यहाँ है कौन जिंदा? ना इश्क में हो जनरेशन गैप, हम मिल के करेंगे आज। लव रैप डिंग 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 डिंग, लव रैप डिंग डिंग। मुखाग्नि के लिए आइए। बड़ा बेटा होने के नाते मुझे एक वचन दे, मैं जिधर भी मरूं ना, मेरी चिता को तू ही आग लगाना। प्रताप, बापू की इच्छा पूरी करते। प्रताप, क्या ये वही आदमी जो उस दिन बापू से मिलने आया था? हाँ, मैं वही आदमी हूं जिसने तेरे बाप को शमशान घाट तक पहुंचाया। अब तुम दोनों की बारी है, क्योंकि चतुर सिंह ने एक कसम खाई है कि तुम दोनों की चिता की राख से वो तिलक लगाकर ही भोजन करेंगे। ये रही तुम्हारी चिता। फिर देर किस बात की है? चलो बड़े बेटे से ही शुरुआत करो। Oh!
घबराते क्यों हो देशमुख? अब तक तो जलकर राख बन चुका होगा। अरे तुम लोगों को अपने दोस्तों पर भरोसा ही नहीं है। बस बस अब ये भाषण बंद करो, हमारे कान के पर्दे फट रहे हैं। बस बंद कर। रामदीन, कौन बोल रहा है? चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर। चतुर सिंह के आदमियों की चिता जलाना तुम जैसे पागलों के बस की बात नहीं है। ठंडा कर। यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतू कुत्ते की निशानियां उसमें मौजूद है। जलती हुई आग में हाथ डाला है, हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि तेरे चाहने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। अतुल भाई, अतुल भाई, अतुल भाई गजब हो गया। अतुल भाई गजब हो गया। अतुल भाई बाहर अगर देखो तो सही। क्या हुआ कल्याण जी भाई? अरे क्या हुआ क्या, नोटिस लग गई, 24 घंटे में बस्ती खाली करनी पड़ेगी। बस्ती किसी की बाप की जागीर रखी खाली करनी पड़ेगी? खाली तो करनी पड़ेगी भाईजान, क्योंकि अब इस बस्ती का मालिक चतुर सिंह है। लक्ष्मी दास जी ने बस्ती बेच दी और नोटिस पढ़कर हम लोग आए हैं। अरे बाहर में क्या वो नोटिस और बाहर में क्या चतुर सिंह? मैं भी नोटिस फाड़ के चतुर सिंह की तो। नहीं अतुल, तुम ऐसा नहीं करोगे, इससे हमारा केस बिगड़ जाएगा। उन लोगों ने अगर कानूनी तौर पर बस्ती हटाने की कोशिश की है तो हम भी कानून का सहारा लेंगे। चलो मेरे साथ। कानून हर किसी के लिए बना है, लेकिन अदालत की नजर में जो गैर कानूनी है उसके लिए एक जज की हैसियत से मैं कुछ नहीं कर सकता। यह स्टे ऑर्डर नामुमकिन है। मगर जज साहब, अगर मेरे पिताजी ने चतुर सिंह को जमीन बेची होती तो कम से कम मुझे मालूम तो होता, उसके कागजात होते मेरे पास। जज साहब, जिस तरह आपने 24 घंटे में कानूनी तौर पर हजारों लोगों को बेघर करने का नोटिस जारी कर दिया, उसी तरह उसे रोकने का भी तो कोई कानून होगा। मिस मेगा, सलाह के लिए वकील होते हैं, जज नहीं। जज का काम है सिर्फ फैसला सुनाना। जानती हूं जज साहब, छिटता रहा जानती हूं कि इस बार भी आपने पैसे खाकर बड़े होशियारी से शुक्रवार की शाम को यह फैसला सुना दिया। आज सैटरडे है, कल संडे और परसों नवरात्रि की छुट्टी। लेकिन इतना याद रखना जज साहब, ये जो गरीबों की बददुआएं और चीखें है ना, ये साय नहीं जाती, और जब ऊपर वाला अपना फैसला सुनाएगा तुम भी बच नहीं पाओगे। चतुर सिंह, ऊपर वाले के हाथ से तू बचे ना बचे, लेकिन मेरे हाथ से तेरे को कोई नहीं बचा सकता। अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। तू भौंकता बहुत है आराम के, और भौंकने वाले कुत्ते हमें पसंद नहीं। अगर अपने बाप की औलाद है तो आ जाना महालक्ष्मी चौक पे, हम हर साल नवरात्रि को माँ की पूजा करने वहां जाते हैं। अरे जितनी मन्नतें मांगनी है आखिरी बार मांग ले, ये तेरी जिंदगी की आखिरी पूजा होगी।